गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास विल स्टडी द न्यू यूनिट. दिस इज़ यूनिट 9 एंड दिस इज़ लेसन 17. दिस इज़ अ पोएम नेम क्लाउड्स. सो लेट्स रीड एंड लर्न बाई हर्ट दिस पोएम. द पोएम इज, इट इज़ हॉट, द स्काई इज़ ब्लू, अ लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड्स. जो बादल आते हैं, प्यारे प्यारे बादल, उनके बारे में ये कविता है. इसमें कह रहा है, इट इज़ हॉट, जब गर्मी होती है, द स्काई इज़ ब्लू, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो फिर स्काई में क्या होते हैं, स्काई ब्लू हो जाता है पूरा और उसमें बादल आते हैं. ए लिटिल क्लाउड्स कम लुकिंग फॉर यू, और बादल आते हैं किसे, हमारी गर्मी को दूर करने के लिए. आकाश में बादल लगते हैं, मोर क्लाउड्स कम, बहुत सारे बादल आते हैं. दे ब्रिंग रेन, और वे बारिश लाते हैं. सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन, और जब बारिश आती है तो बच्चे जो हैं नाचते हैं, गाते हैं, और फिर से मौसम जो है कूल कूल हो जाता है, मतलब कि ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है और गर्मी चली जाती है. ठीक है, इस तरह से देखिए, जब बारिश आती है तो ये बच्चे किस तरह से बारिश में डांस कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बारिश में. ठीक है, इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं, इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं. पहला है ब्रिंग, फिर है क्लाउड, फिर है कूल, फिर डांस, फिर हॉट, फिर रेन. इस तरह से इसके न्यू वर्ड्स हैं, इनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसके हिंदी मीनिंग को देखेंगे. इसमें दो सेंटेंसेस हैं. इसमें पहला सेंटेंस है, लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस. तो इसमें पहला सेंटेंस है, इट इज़ ए हॉट डे, ये एक गर्म दिन है. ठीक है, यह एक गर्म दिन है. इट इज़ रेनिंग टुडे, आज जो है बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है. ठीक है, इस तरह से हमने इन वर्ड्स की मीनिंग को देखा और हमने ये प्यारा सा पोएम पढ़ा. इस पोएम का नाम है क्लाउड्स. आप होमवर्क में इस पोएम को लिखेंगे और याद करेंगे. ठीक है, इट इज़ हॉट, द स्काई इज़ ब्लू, ए लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड्स कम, दे ब्रिंग रेन, सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन. ठीक है, इस तरह से इस पोएम को आप याद करेंगे और लिखेंगे कॉपी में. और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.